लोग कहते भी आप बड़ी मोहब्बत करते हैं बैतुल मुकद्दस से, किबल अव्वल से, लेकिन वो तो अग्यार के हाथों में है, हम इससे मोहब्बत क्यों करते हैं बैतुल मुकद्दस से? समय नजीब कर, ये अंबिया इकराम का ये मस्कन रहा है, हम इसलिए मोहब्बत फरमाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर हिजरत फरमाई, वहां पर जाके अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। अल्लाह की वहदानियत को बयान करने के साथ साथ लोगों को दीन इस्लाम की जानिब लेकर आए। आपने वहां पर फिर सुकूनत इख्तियार फरमाई, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम जिन पर जबूर नाजिल हुई, इतनी प्यारी इनकी आवाज थी, जब ये जबूर पढ़ा करते थे तो अल्लाह के जो फरिश्ते थे और अल्लाह की जो मखलूक थी, ये आपकी आवाज को सुना करती थी। आपने भी हिजरत फरमाई बैतुल मुकद्दस की जानिब, हम इस बिना पर इससे मोहब्बत किया करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां पर हिजरत फरमाई और आपने उस जमीन पर बैठकर पूरी जमीन पर हुकूमत फरमाई है, हम इसलिए बैतुल मुकद्दस से मोहब्बत करते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इनका मेहराब शरीफ वहां पर मौजूद है, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहां पर हुई, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल लईन को उसी मकाम पर ही मारेंगे, हम इसलिए इससे मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा हुए और इमामुल अंबिया ने वहां पर नमाज को अदा फरमाया और इमामुल अंबिया के पीछे तमाम नबी रसूल वहां पर मौजूद थे और सरकार की इक्तदा में नमाज पढ़ी।